डॉक्टर प्रसाद जी लखनऊ से आ रहे थे, इनको चूंकि टीचर है तो टोका टोकी करने की आदत है, आप उसी तरह इनको सुनिएगा भी। जब ये लखनऊ से आ रहे थे तो उन्होंने टीसी को रोका और कहा रेलवे ने बहुत तरक्की की है, सारी सुविधाएं तो ठीक है यार, लेकिन ये जो टॉयलेट में मजा बधा है चैन के साथ, अबे कम से कम उसकी लंबाई इतनी तो करो कि मकान तक पहुंच सके। टीसी नौगढ़ का था, उसने क्या जवाब दिया, ताली ठोकना और प्रशांत सिंह बाइक पे आएंगे। टीटी नौगढ़ का था, उसने कहा हुजूर डब्बा चैन से बधा है, आप नहीं बधे हैं, आप अपने मकान को थोड़ा आगे पीछे बढ़ा लीजिए। जिन लोगों को गुजरना था वो लोग गुजर गए, अब कवि सम्मेलन ठीक से होगा। आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ, आपका आदेश चाहूंगा, और सलीम दादा मेरे गुरु भी रहे हैं, उनको मैं चरण स्पर्श करता हूँ, रहे हैं अभी भी हैं, अब हम थोड़ा बड़े हुए हैं, हम गुरु नहीं मानते। अच्छा ये सीरियस बोले कि मजाक में? सीरियस? हाँ नहीं, ऐसा मजाक उनको भी नहीं पसंद। काशी का रहने वाला हूँ और मूलतः मैं अयोध्या का हूँ, ये अलग बात है, शादी के पश्चात मैं कहीं का नहीं रहा। प्रेम की रचना इन्होंने सुनाई है, मैं तो शादीशुदा हूँ, तो बस एक ही चीज जानता हूँ कि हाथ बांधे साथ चलना चाहिए, हाथ बांधे साथ चलना चाहिए, पूछ कर घर से निकलना चाहिए, और साथ में पत्नी अगर खूंखार हो आदमी को कम उछलना चाहिए। हम भी आपकी गलत है, एकदम आप ही लोग जैसे टोपी वाले भैया जी हैं, बालों से अब देखिए कैसे हो गए। बिच्छू था कभी तिलचट्टा बना दिया, बिच्छू था कभी तिलचट्टा बना दिया, पत्नी ने पीट कर मुझे पट्टा बना दिया, और शादी के पहले मैं भी मीठा अचार था, नींबू निचोड़ कर उसे खट्टा बनाया। मूलतः मैं शिक्षक हूँ और शिक्षा प्रणाली पे लिखता हूँ, और एक मेरी कविता है, वो आप लोगों के माहौल को देख के हो रही है कि शिक्षा व्यवस्था क्या है इस समय। स्वागत है। अरे पहले व्हाट्सएप सुनाइए, बाद में शिक्षा पर जाएंगे, तो इतनी रात को शिक्षा लेने थोड़े बैठे हैं। इतनी रात को आप लोग आ गए, यही आश्चर्य हो रहे हैं। सुनाइए, स्वागत है। मोबाइल से रिश्ता निभाना आ गया, मोबाइल से रिश्ता निभाना आ गया, अंधों में भी एक राजा काना आ गया, और भाई बहनों संग खाते थे समोसे, ये पिज़्ज़ा और जीजा का जमाना आ गया। बहुत अच्छे। अब सबके हाथ में मोबाइल देख रहा हूँ, उस पर मेरी रचना है, और सलीम दादा ने कहा था सबसे पहले शुरुआती रचना उन्हीं को सुनाई थी रचना, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज, वो पांचवों वाला रेगिस्तान में सांप मिला है, खबर कैसी होती है, वो पांचवों वाला रेगिस्तान में सांप मिला है, वो 90 साल के ताऊ को खोया बाप मिला है, वो हीरोइन क्यों शाइन बाग गई थी, वो बाप की नियत नहीं सही थी, वो मिर्चा संग नीम से कोरोना हारेगा, इस बार अमेरिका चीन में घुसकर मारेगा, इन बेहुदा खबरों का कैसे निवारण होगा, स्थिति विशुद्ध का भैया व्हाट्सएप ही का। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, स्वागत। ये जीवन की दूसरी माला, पहली पत्नी बनाई थी। क्या फिर से माला पहनाने को कह रहे कि कविता सुनाने? वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई के मैसेज, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई के मैसेज, वो पांचवों वाला रेगिस्तान में सांप मिला है, वो 90 साल के ताऊ को खोया बाप मिला है, वो हीरोइन के शाइन बाग गई थी, वो पाप की नियत नहीं सही थी, वो मिर्चा संग नीम से कोरोना हारेगा, इस बार अमेरिका चीन में घुसकर मारेगा, इन बेहुदा खबरों का कैसे निवारण होगा, कृति विशुद्ध का भैया व्हाट्सएप ही कर रहा। बहुत अच्छा, बहुत
भरिया। कुछ बुजुर्ग भी दिख रहे हैं बीच बीच में, वो शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना हम कैसे सीखे, संभव नहीं है। मैंने अपने पत्नी से पूछा, ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल तारण के अधिकारी, इसका अर्थ बताओ। कह रहे इसमें चार जगह आप, एक जगह मैं। वो शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को बनाना हम कैसे सीखे, वो पृथ्वी से उल्का पिंड टकराने वाला है, वो परवेज मुशर्रफ उसामा का साला है, वो प्राइमरी और एसएससी भर्ती वाला जीके, वो दक्षिण दिशा की ओर देख न छीके, वो मोदी और केजरीवाल में कौन ज्यादा बढ़िया है, वो कैंसर का इलाज खड़ा बनिया है, इन वाहियात खबरों का कैसे निवारण होगा, स्थिति विशुद्ध का भैया व्हाट्सएप। बहुत अच्छे भाई, शुक्र है जमाने में, अगर द्वापर में होता तो क्या होता। द्वापर में होता तो महाभारत इसी के कारण होता, शिशुपाल और शकुनी का ये सजी उदाहरण होता है। और पितामह का स्टेटस हमेशा सिंगल होता, मोबाइल छीना जाता ना क्या ज्ञातवास के लिए जंगल होता, और कान्हा 24 घंटे ऑनलाइन रहते, वो 16,000 रुपए ज्वाइन रहते। और खबरें कैसी फैलती है, वो कान्हा की डीपी अर्जुन संघ लिखी है, वो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के लिए नई बिल लिखी है, वो दुशासन का चरित्र थोड़ा गंदा है, वो शस्त्र ज्ञान दौड़ के लिए धंधा है, और कर्ण भैया छूत है, कर्ण अछूत है क्योंकि आईफोन नहीं यूज किया है। क्या बात है। और एकलव ने दौड़ का फोन ओएलएक्स से लिया है, उस युग में भी, महाभारत के युग में भी इसका असर असाधारण होता, और युद्ध का यही कारण होता, और कृष्ण ने नहीं कोई गीता सार दिया होता, कीपैड मोबाइल थमाया होता और पांडव का उद्धार किया। आप सब लोग देख रहे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब लोग अपने जीवन में किसी न किसी अब करियर ऑप्ट करना चाहते होंगे, लेकिन मेरी आपसे एक निवेदन है कि जिस फील्ड में जाना हो उसी में जाएं, ऐसी नौकरी ना करें जहां जाके आप समय बर्बाद कर रहे हैं। उस पर मेरी रचना है कि वो नुक्कड़ का नंदू वो दीनू दिहाड़ी, वो नुक्कड़ का नंदू वो दीनू दिहाड़ी, वो गली का गोपी वो पप्पू पनवाड़ी, वो बाजू का बनिया वो लल्लू लहार, वो गधा वो धोबी वो कल्लू कुम्हार, वो चाय वाला चंदू छप्पन का झाड़ू, वो मल्लू का मामी वो सुरेंद्र का साधु, वो आदिल के अब्बा वो जुम्मन का मम्मी, वो नौकी पतोहिया जेकर नाम हो जाएंगे। सभन के शिक्षा कहानी के देखा, शिक्षा की नई की पुरानी के देखा, सबके सब गदेलन के हाके पड़े हैं, कोचिंग की दिशा में सब झांके पड़े हैं। क्या बात है। और बातें कैसी होती है हमारे गांव देहात में, वो गुप्ता का पोता, वो शर्मा का नाती, वो पड़वा का विधवा, जो नहल उत्पाती, कपारे के हर कोना के नोचे, तकिया चादर बिछौना के नोचे। और बचपन में सुनी थी लोमड़ी की कहानी, आपने सुनी होगी, बचपन में सुनी थी लोमड़ी की कहानी, उछले पड़ी थी अंगूर की दीवानी, स्वभाव के विपरीत वो फल खाने चली थी, भूल कर लक्ष्य दूसरों को निशाने चली थी, पर असल में लोमड़ी अंगूर खाती कहां है। क्या बात। पर असल में लोमड़ी अंगूर खाती कहां है, खाकर उससे खट्टा बताती कहां है, और असफल हुए तो मंजिल खट्टी लगी है, यहां तो कोचिंगों की सट्टी लगी। वाह क्या बात है भाई, चलो इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं, लोमड़ी की अगली पीढ़ी को अंगूर खिलाएं, पर इस बार वो असल में है खट्टे, पर कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे पड़ोसी, क्या कहेंगे बच्चे, लोमड़ी को अंगूर की जरूरत नहीं है, न तैरो उस नदी में जो उल्टी बही है, और स्वच्छंद पंछियों को पिंजरे में जाने से रोको, और बहक जाए तो किसी बहाने से रोको, वो खुद ब खुद सफलता के गीत गाने लगेंगे, वो खुद ब खुद सफलता को पाने लगेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर प्रशांत जी गए थे, शैलेश लोढ़ा जो तारक मेहता के उल्टा चश्मा वाले हैं, नया शो लेके आए हैं, वाह भाई वाह, उसमें गए थे, और वो अब क्या अभी कुछ कहना जरूरी है उस कविता पर, शैलेश जी ने बहुत ही वाह भाई दी थी और इनको आशीर्वाद दिया, तो मैं चाहता हूँ वो दो चार लाइन अगर आप सुना दें। हाँ, दो चार लाइन अगर आप सुना दें। स्वागत है। देखिए, मैं अयोध्या का हूँ और मैं गुरु जी से काफी प्रभावित हूँ, मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ। आप लोग बात करते हैं ताजमहल जो हमें प्यार का प्रतीक रहा है, बिल्कुल नहीं, प्यार का प्रतीक अगर कुछ रहा है तो राम सेतु रहा है। उस पर मेरी एक रचना है, सेतु बंधन असल में क्या था जो कि कोई जान नहीं पाया, उस पर मेरी एक रचना है। राम दिनकर भी है राम ही दिन दिखे, राम उत्तर भी है राम प्रश्न दिखे,
भक्ति और भाव का प्रमाण एक कुल बना, त्याग और शौर्य का पर्याय लघुकुल बना, सागर की विशालता का दंभ तोड़ते चले, पहाड़ों पे राम लिखा छोर जोड़ते चले। क्या बात है, वाह। नल नील वानरों संग खड़े एक पैर पर, पत्थर जुड़ते चले समुद्र पर तैर कर, राम स्वयं खड़े हुए कुछ सोच विचार कर, फेंकने लगे पत्थर जो डूब गए हार कर। राम उस दृश्य पर पूर्णतः मौन थे, सोचा जो तैर गए वो कौन है, जो तर गए वो कौन थे। कपीश मुस्कुराने लगे प्रभु के संताप पे, फिर दिया जवाब थोड़ा तोल थोड़ा नाप के। हनुमान जी बोलते हैं, हे प्रभु अपने विचारों को आप सही मोड़ दे, डूबना है नियति राम जिसे छोड़। क्या बात है, वाह 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 वाह। डूबना है नियति राम जिसे छोड़। वानरों में जोश था, लंका में हाहाकार था, राम ही खबर। वानरों में जोश था, लंका में हाहाकार था, राम ही खबर बने चैनल ना अखबार था। राक्षसों का दल रावण गए देखने, पत्थरों पे रावण लिखा वो भी लगे फेंकने। वो भी तैरने लगे न जाने किस भाव से, सबको लगा चमत्कार हुआ दशानन के प्रभाव से। यह सब जानकर मंदोदरी डरने लगी, रावण समक्ष जाओ प्रश्न करने लगी। मंदोदरी बोलती है, हे प्राणनाथ आप दोनों के चमत्कार का कुछ तो संबंध है, भक्ति है भाव है, किया क्या प्रबंध है। तीनों लोग थरनाते थे रावण के प्रताप से, संसार नतमस्तक हुआ रावण के जवाब पे। दशानन बोलते हैं, हे प्रिय अपने कुल को दिखा रहा मुक्ति का मैं रास्ता, अपने कुल को दिखा रहा मुक्ति का मैं रास्ता, पत्थरों से बस इतना कहा तैर जा, तुम्हें राम का है वास्ता। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह। राम से तू क्या है, राम मरहम बने अहिल्या के घाव पर, राम मरहम बने अहिल्या के घाव पर, राम अश्रु बने शबरी के भाव पर, राम सेतु बने वंचित और समाज मत, राम सेतु बने वनवास और राजमत। आज युद्ध हो रहा धर्म और धाम पे, वोट मांगे जा रहे राम के नाम पे, संस्कार अशोक वाटिका में आज नजर बंद है, समाज फूल है शिक्षा मकरंद है, और कोरोना मारीच है महंगाई मेघनाथ है, राम हम स्वयं है और लक्ष्मण कर्म मन साथ है, शेषनाग वॉरियर्स पर उठाए सबका भार है, और ये जो ऑक्सीजन पहुंचा रहा है यही पवन को चलता है। और राम साधना भी है, राम ही साथ है, और काशी अयोध्या में जो दिख रहा है वही राम राज्य। बात अच्छा।